आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन कलरों की वूल से, जो मेरे पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बची हुई वेस्ट वूल होती, इनसे हम बहुत ही सुंदर एक बच्चों के लिए नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के ये डिजाइन रेडीमेड लुक में बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, सुंदर सा रेडीमेड लुक में ये डिजाइन हम सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से इसको बनाया है। तो यहां पर देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लेके एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, बॉर्डर बना के आप तब यहां से डिजाइन डालना शुरू कीजिए। टोटल 6 सिलाई का डिजाइन है, 4 सिलाई तो हमारी सीधी उल्टी बनेगी, लेकिन 2 सिलाइयों में ही डिजाइन कंप्लीट होगा। तो बॉर्डर ये मैंने सिर्फ 2 सिलाई, एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से बॉर्डर के तौर पे उल्टी उल्टी बनाई है। तो यहां से हम बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है ध्यान से देखिए। यहां पर हम सेकंड कलर अटैच करके इस तरह से, और ये देखिए इसको हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की पहली सिलाई बॉर्डर बनाने के बाद सीधी सिलाई, इसे हमने पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बना के कंप्लीट करना है। तो ये यहां पर हमने पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई, दूसरी सिलाई को हमने यहां पर उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ही ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। दूसरी सिलाई डिजाइन की उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई को हमने यहां पर ध्यान से देखिए उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहां पर दूसरी सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई है डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को हमने फिर से यहां पर पहली सिलाई की तरह ही सीधा सीधा ही बना लेना है। तो बहुत ही आसान डिजाइन है, सिर्फ सीधे और उल्टे का डिजाइन है। बनने के बाद तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो ये तीसरी सिलाई भी हमने सीधी साइड से सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की चौथी सिलाई, चौथी सिलाई उल्टी सिलाई। चौथी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बना के कंप्लीट करना है। तो ये हमारी यहां पर चौथी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। ने 4 सिलाई यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखिए यहां से 4 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी सिलाई को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम यहां पर पहले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब आगे हमने किस तरह से करना है, अब ये 2 फंदे, 1, 2 दूसरे फंदे के जो सबसे नीचे वाला होल है यहां पर, यहां से हम नीडल डालेंगे और एक फंदा ऐसे बना लेंगे इस तरह से। इस फंदे को थोड़ा सा इस तरह से करके लूज बनाएंगे और 3 फंदे अब हम बिना बुने ऐसे ही सिलाई पे उतार लेंगे। अब जो ये लंबा फंदा बना था, इसको हम इनके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब अगला फंदा फिर से सीधा इस तरह से। अब आगे हमने क्या करना है, 1, 2 दूसरे फंदे के सबसे नीचे वाले होल से, जहां से ये येलो कलर स्टार्ट हुआ है, यहां से हम नीडल डालेंगे
और एक फंदा ऐसे बना लेंगे और लूज बनाएंगे सेम थोड़ा सा। अब तीन फंदे फिर से ऐसे हम उतार लेंगे। अब इस लूज वाले फंदे को इनके दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा लेंगे इस तरह से। अब अगला फंदा सीधा, फिर से एक दो, तीसरे फंदे के नीचे वाले होल से यहाँ जहाँ से येलो कलर स्टार्ट हुआ है यहाँ से नीडल डाल के हम एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। अब तीन फंदे फिर से ऐसे निकाल लेंगे यानी कि उतार लेंगे बगैर बुने। अब इन तीनों के ऊपर से इसको ऐसे गिरा देंगे। अब एक फंदा फिर से सीधा बना लेंगे और अब फिर से यहाँ पर एक दो यहाँ नीचे से फिर से होल में हम एक फंदा फिर से निकालेंगे और लूज निकालेंगे थोड़ा सा। अब तीन फंदे फिर से ऐसे गिरा देंगे। अब इस ढीले वाले फंदे को जो लूज फंदा था इसको इनके ऊपर से गिरा देंगे। लास्ट के फंदे को अकेला बचा है इसे सीधा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने पांचवी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। छठी सिलाई डिजाइन की और लास्ट सिलाई, छठी सिलाई को हमने किस तरह से बुना ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए वो आपके ऊपर मर्जी है। जो ये तीन फंदे हैं हमारे येलो वाले, पहले फंदे को तो हम उल्टा बनाएंगे, दूसरे वाले फंदे को बगैर बुना ऐसे ही उतार लेंगे, तीसरे वाला भी उल्टा बनाएंगे, अकेला वाइट वाला है इसको भी उल्टा बनाएंगे। यानी कि सारे फंदे उल्टे बनेंगे लेकिन जो ये तीन फंदे हैं येलो वाले, बीच वाले फंदे को हम बिना बुना ही उतारेंगे इस तरह से, इसे हम बनाएंगे नहीं। बाकी इन फंदों को हम सभी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर से आ गया येलो फंदा बीच वाला, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन बनाएंगे एक उतारेंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे। तो ये हमने यहाँ पर छठी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाई में डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आया। तो अब हमें क्या करना है, अब फिर से मैं थोड़ा सा दो सिलाई बता देती हूँ। जैसे यहाँ से हमने चार सिलाई बनाई थी येलो कलर लगा के, अब की बार हम ये वाइट कलर ही लगा के इस तरह से हम सीधा सीधा बनाएंगे। चार सिलाई हम येलो कलर से ही सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह से। दो सिलाई इसलिए बता रही हूं ताकि आपको डिजाइन अच्छे से दिखाई देने लगे, आगे धागा लगाने में, दूसरा धागा लगाने में प्रॉब्लम न आए। इस तरह से एक सिलाई ये हमने बनाई, फिर आ गए उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई को फिर से दूसरी सिलाई की तरह है, यानी कि चार सिलाई व्हाइट कलर की इसी तरह से फिर से हम बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई भी बन चुकी है। तो अब देखिए, दो सिलाई मैंने एक्स्ट्रा आपको बना के दिखाई है, तो डिजाइन इस तरह से दिखाई देगा। एक बार येलो की, फिर व्हाइट की, फिर कोई आप तीसरा कलर भी लगा लीजिए इस तरह से, व्हाइट के बाद तीसरा कलर, तीसरे कलर के बाद फिर से व्हाइट कलर। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़े में दिखाती हूँ इसी डिजाइन को। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का इस तरह से धागे चेंज कर करके हम बनाएंगे, तो डिजाइन का यहां पर फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डिजाइन आपके सामने है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।